नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बरसात में लगाए जाने वाले पांच ऐसे किस्म जो कि एक पौधा में लगभग 20 से 25 किलो फ्रूटिंग देता है टमाटर का वैरायटी। तो दोस्तों आप लोग देर ना करते हुए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग अगर हमारा सब्सक्राइबर ही हैं तो आप लोग एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम आगे वीडियो बनाते रहें। दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, यह हमारा ही खेत का वीडियो है जो कि हम कुछ दिन पहले बनाए हुए हैं। और दोस्तों आप लोग को हम एक बात बता देना चाहते हैं, दोस्तों अगर टमाटर की खेती करते हैं और आप लोग को फंगीसाइड और टॉनिक के बारे में या इंसेक्टिसाइड के बारे में अगर कोई भी समस्या आ रहा है इस समय यानी कि बरसात में, तो दोस्तों आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, हम वीडियो लाने का कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों अब देर ना करते हुए चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम वैरायटी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों पांचवा नंबर पर जो है वो है दोस्तों 6242 टमाटर जो कि सिजेंटा कंपनी का आता है। दोस्तों यह इसका साइज जो है थोड़ा हाइब्रिड टाइप में रहता है, देखिए इस तरह का साइज रहता है जो कि 6242 टमाटर है। दोस्तों अगर 6242 टमाटर का बात किया जाए तो दोस्तों एक साइज लगभग 100 से लेके 120 ग्राम तक हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम उस उत्पादन लिए हैं, एक फल का वजन उतना तक आता है और डिपेंड रहता है फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड और अन्य तत्व यानी कि खाद मल के ऊपर भी रहता है। आप लोग जैसे देखभाल करिएगा वैसे उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए दूसरा यानी कि चौथा नंबर में जो है वो वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चौथा नंबर में जो है वो चौथा नंबर में जो वैरायटी है वो है अर्का रक्षक जो कि देखने में लगभग 6242 के जैसा ही दिखता है, लेकिन दोस्तों उसका साइज से छोटा साइज आता है, इसका थोड़ा छोटा आता है लेकिन दोस्तों पौधा में जो है भरपूर फल लगता है जो कि लगभग 19 से 20 किलो से लेकर 25 किलो तक फल लगता है। तो दोस्तों इस वैरायटी को भी आप लोग लगा। तीसरा नंबर का वैरायटी जो है वो है नामदारी का 962 नंबर जो कि दोस्तों बहुत बेहतरीन है, जो कि लोकल साइज में टमाटर आता है यानी कि देसी टाइप में रहता है। और इसका उत्पादन के बात करें तो दोस्तों एक पौधा में लगभग 15 से 25 किलो तक का एवरेज यानी कि एक पौधा है उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप लोग अच्छा तरीका से फंगीसाइड खाद यानी कि खाद मल और फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का अगर जो कॉम्बिनेशन है यानी कि शेड्यूल है वो अगर अच्छा तरीका से चलाते हैं तो दोस्तों आप लोग का पौधा जो है आप लोग देखेंगे केवल फल ही फल लौकेगा यानी कि दिखाई देगा। तो दोस्तों चलते हैं दूसरा नंबर में बात कर लें तो दोस्तों सबका जाना माना और पहचाना जो वैरायटी है वो है सेमनीज का अभिलाष। दोस्तों अभिलाष का रिजल्ट कई वर्षों यानी कि पिछले वर्षों बहुत अच्छा रहा है, यानी कि कई वर्षों से आदमी लगा रहा है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और अभी भी लगाया जा रहा है यानी कि बरसात के लिए यह बहुत बेहतरीन वैरायटी है। अगर आप लोग को कोई भी अगर सिलेक्शन में दिक्कत आ रहा है वैरायटी में तो दोस्तों आप लोग अभिलाष जो है सेमनीज का आप लोग बेझिझक लगा लीजिए। यह वैरायटी जो है देसी टाइप में आता है और इसका उत्पादन जो है लगभग नामदारी से कुछ ज़्यादा ही निकलता है। तो दोस्तों एक बार जरूर लगाकर ट्राई करिए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जो कि एक नंबर में वैरायटी जो है रखे हुए हैं वो है सिजेंटा कंपनी का साहो जो कि दोस्तों सबका यानी कि सबका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है इसी का है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है अभिलाष से भी अच्छा यह है क्योंकि यह जो है अधिक धूप होने से यानी कि 40-45 डिग्री तक जो है धूप का सहन कर सकता है यह साहो वैरायटी। और दूसरा वैरायटी की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें यानी कि इतना जो है धूप को सहने का क्षमता नहीं रहता है और ऊपर से अगर पानी पड़ जाए तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों साहो के बात किया जाए तो यह जो है यानी कि सहनशील वैरायटी है, आप लोग एक बार ज़रूर लगाकर देखिए। तो दोस्तों हमारा टॉप जो है टमाटो के 5 वैरायटी आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और नए किसान भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि नए किसान भाई को जो है उतना मालूम नहीं रहता है वैरायटी आर के बारे में, तो उन लोगों को अगर मिलता है अच्छा से अच्छा जानकारी तो वो अलग भी खेती कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर
फ्लावरिंग के जो है टमाटर में फ्लावरिंग का समस्या बहुत ज़्यादा आता है, यानी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, फ्लावर ही ना आना। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, हम जो है ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है कौन सा टॉनिक डालना है यह बहुत आदमी को मालूम नहीं रहता है। अगर आप लोग को हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।